मंदसौर एक अति प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख हमें पुराणों में भी मिलता है। मंदसौर के नाम की उत्पत्ति दो गांवों को जोड़कर हुई है, मरह तथा सौर या दसौर से बना महतसौर यानी आज का मंदसौर। इसका प्राचीन नाम दशापुरा भी था जिसका अर्थ दस पुरियों का नगर। ऐसा माना जाता है कि मंदसौर रावण का ससुराल था। यहाँ पर रावण की पत्नी मंदोदरी निवास करती थी, इसलिए यहाँ रावण दहन नहीं किया जाता। मंदसौर के शुरुआती इतिहास का प्रमाण हमें चौथी सदी से मिलना प्रारंभ होता है, जब यहाँ पर ओलीकरा राजवंश का राज था। ओलीकरा प्राचीन भारत का एक मौर्यकालीन कुल था जिसका राज चौथी सदी से छठी सदी तक था। यह गुप्त वंश के राजाओं के सामंत थे। यह एक हिंदू राजवंश था जिसने कई सारे मंदिर बनवाए जो कि सूर्य शिव तथा विष्णु को समर्पित थे। इसके साथ इन्होंने कई बौद्ध धर्म स्थलियों का भी निर्माण किया। इस राजवंश के प्रमुख राजा जिन्होंने मंदसौर पर राज किया उनके नाम हैं जयावर्मा, सिंहवर्मा, नरावर्मा, विश्ववर्मा एवं बंधुवर्मा। सन 1983 में मिले रिस्थल के शिलालेख से एक और राजवंश की जानकारी मिलती है जिनमें राजा धूम्रवर्धन, जयावर्धन, अजीतवर्धन तथा प्रकाश धर्मा प्रमुख थे। इसी कुल के महान प्रतापी राजा सम्राट यशोधर्मा भी थे जिन्होंने हूणों के राजा मिहिरकुला को हराकर मालवा को मुक्त किया और यहीं से ओलीकरा राजवंश मालवा में समाप्त हो जाता है। इनके बाद कोई अन्य प्रतापी राजा ओलीकरा राजवंश में नहीं आता। राजा यशोधर्मा के विजय स्तंभ मंदसौर के पास सोडानी नामक गांव में आज भी मौजूद है। मंदसौर में मिले शिलालेख के अनुसार राजा यशोधर्मा का राज उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में महेंद्रगिरी यानी ओडिशा तक था, पूर्व में ब्रह्मपुत्रा से पश्चिम में हिंद महासागर तक। इनके काल में मंदसौर का नाम दशापुरा था। इसके बाद दशापुरा या मालवा में गुर्जर प्रतिहार वंश का राज रहा जिसके राजा नागभट्ट प्रतिहार ने मालवा तथा ग्वालियर को जीत लिया था। सन 738 में नागभट्ट ने अरबों के भारत में आक्रमण को रोका जो कि सिंध में आकर बसे थे। इसी के साथ राजा नागभट्ट का इस्लामी खिलाफत को हराने का उल्लेख हमें ग्वालियर के शिलालेखों में भी मिलता है कि किस तरह राजा ने मलेच्छ अरबों की विशाल सेना जिसमें ऊंट घोड़े थे, जिनमें सीरिया और दमिश्क के घुड़सवार थे और कुछ अरब थे तथा कुछ सिंध के लोकल हिंदू थे जो कि कन्वर्ट होकर मुसलमान बन चुके थे और कुछ तुर्की लड़ाके भी थे। अरब इतिहासकार सुलेमान ने भी इसका उल्लेख किया है। बाद में मालवा में राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों के बीच कई युद्ध होते रहे। अब बात करें मध्ययुग की, तो इस काल में मंदसौर मेवाड़ और मालवा की सीमा पर स्थित था जो कि काफी महत्वपूर्ण इलाका था। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई थी, इसलिए मालवा के सूबेदार दिलावर खान गोरी ने खुद को मालवा का सुल्तान घोषित कर दिया था जिसकी राजधानी मांडू थी। उसके बाद उसका बेटा होशंग शाह मांडू का सुल्तान बना जिसने मंदसौर में एक किला बनवाया था सन 1405 से 1435 के मध्य। सन 1519 में राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा ने इस किले को जीत लिया और अशोक कमल राजपूत को यहाँ का किलेदार बनाया। सन 1535 में हुमायूं भी इस किले में आकर रुका था। फिर शेरशाह सूरी ने सरदार खान को इस किले का किलेदार बनाया था। अकबर के समय मंदसौर को सरकार की हैसियत दी गई थी। सन 1733 में मालवा के मुगल सूबेदार सवाई जयसिंह ने इस किले पर आक्रमण किया, परंतु मराठों ने उन्हें हरा दिया और यह किला मराठा राज में आ गया। सन 1818 में
तीसरे एंग्लो मराठा वॉर के बाद हुई संधि के बाद मंदसौर ब्रिटिश राज में आ गया। अंग्रेजों के समय मंदसौर ग्वालियर स्टेट का एक हिस्सा बन गया और उसी के बाद यह आजाद भारत का एक हिस्सा बना। अगर हम और प्राचीन इतिहास की बात करें तो मंदसौर का उल्लेख हमें कालिदास द्वारा लिखित मेघदूत में मिलता है। मेघदूत में कालिदास यह बताते हैं कि किस तरह यहाँ पे दशापुरा की जो स्त्रियां हैं उनकी आंखें कितनी मोहक है। कोई एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइए और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।